देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने का न्योता मिला है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बाशित ने पाक पीएम की ओर से ये न्योता दिया है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्ते जो हैं वो बेहतर होंगे। अब्दुल बाशित से बात की हमारी संवाददाता अरुणिमा ने। क्या सोच है पाकिस्तान में अब जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने वाले हैं? हमारे साथ है पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बसित जी। क्या कैसा माहौल है पाकिस्तान में, क्या सोच रहे हैं आप लोग इस नई सरकार के बारे में? डू यू थिंक यू विल बी एबल टू डू बिजनेस विद नरेंद्र मोदी? देखिए, हमारे वजीर आजम ने फोन किया मोदी जी को और उनको मुबारकबाद भी दी है और पाकिस्तान आने की दावत भी दी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ताल्लुकात बेहतर होंगे। इन द पास्ट जब जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर इलेक्शन की रैलीज की है, उन्होंने काफी अनचैरिटेबल रिमार्क्स पास किए हैं पाकिस्तान के बारे में, मियां मुशर्रफ को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, तो क्या ये सारा बैकग्राउंड विल दैट मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू डील विद दिस न्यू गवर्नमेंट? देखिए, इससे तो कोई इनकार नहीं है कि ये एक डिफिकल्ट रिलेशनशिप है, लेकिन हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि इस रिलेशनशिप को आसान बनाए। क्रिकेट इज वन थिंग विच यू नो यूनाइट्स इंडिया एंड पाकिस्तान। द कैलेंडर दैट यू आर लुकिंग एट, इफ नरेंद्र मोदी जी यू नो एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, विल द कैलेंडर बिगिन विद क्रिकेटिंग बायलैटरल टर्म्स एंड हाउ सून कैन वी एक्सपेक्ट दैट? आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। That was the Pakistan High King. It clear that he is hopeful that Narendra Modi's interaction with Pakistani government will be on a positive note and that the two countries will do much better business. From the Pakistan High Commissioner in New Delhi, this is Arunima.